तेजस्वी अभी बच्चा है, उसे क्या पता हम लाए बदलाव, नीतीश कुमार बोले। तेजस्वी ने राज्य में नौकरियां देने और विकास करने का किया था दावा। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर जुबानी हमला बोला है। 2005 से पहले राज्य की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा है कि बिहार गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा था, सड़कें जर्जर थी, पुल आस्ती तौहीन थे, विकास रुका हुआ था, सारा काम हम लोगों ने किया है। केंद्र में मंत्री रहते हुए अपने इलाके में पैदल चलना पड़ता था, हर जगह सड़क बना दी गई है, साथ ही विस्तार कर दिया गया है। तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अभी बच्चा है, उसे पता नहीं है, बच्चा कुछ भी कह देता है लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसे पता नहीं है। तेजस्वी के विकास और नौकरी देने के वादों को, दावों को खारिज करते हुए नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार सकारात्मक बदलाव करने के लिए श्रेय की पात्र है। उन्होंने जाति आधारित सर्वे का एक उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर भी कड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी से जेड प्लस सुरक्षा ली गई वापस। बिहार में महागठबंधन टूटने के कुछ दिन बाद डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव से जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई है। राज्य गृह विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक तेजस्वी को अब बिहार के मंत्री को मिलने वाली सुरक्षा दी जाएगी। नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। डिप्टी सीएम के साथ साथ भाजपा के लोकसभा सांसद राजू प्रताप रूड़ी को भी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है।